आ रहा हूँ वो बहुत ही खास है। मैं एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो इस इलाके में कभी नहीं हुई और यहाँ चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर हाइना की हलचल है। इस पूरी घटना के बारे में हम लगातार सैफ्रॉन टीवी से बने हुए हैं। आसपास के गांव वाले भी यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। पता नहीं वो हाइना किसके साथ क्या करेगा। हाँ बोलो जोशी। सत्या पार्थिवन से बात कर रही थी लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा, कहाँ है वो? वो अभी अभी सिद्धू को स्कूल छोड़ने के लिए निकला है। एक बार सिद्धू को कॉल करके देखो, दोनों साथ में होंगे। अगर उससे तुम्हारी बात हो तो उसे कहना मुझे कॉल करे। उधर ठीक से हैंडल करो, उधर एक बैरिकेड लगाओ, जल्दी करो। कुमार सर, व्हाट्स द सिचुएशन अपडेट? सर यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। सर अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारे लोग घायल हो जाएंगे। तो कोई आ रहा है? वाइल्ड लाइफ SOS टीम से दो एक्सपर्ट भेजे हैं। आज से पहले उन्होंने सिर्फ चीता पकड़ा है पर यहाँ तो हाइना है, किसी को भी नहीं पता उसे कैसे हैंडल करना है। पार्थिवन, we have a situation, emergency है, क्या तुम अभी आ सकते हो? अपने messages check करो, मैंने तुम्हें footprint का photo भेजा है। Footprints बड़े हैं, spotted आईना भी हो सकता है, अगर वही है तो बहुत खूंखार होगा। Okay, तो तुम यहाँ कितनी जल्दी पहुँच सकते हो? जाके माँ को ये मत कहना कि तू स्कूल के लिए लेट हो गया था, चल वादा कर। पहले आप मुझसे वादा कीजिए, आप मम्मा से ये नहीं कहेंगे मैं आज स्कूल फोन लेकर गया था। प्लीज पापा। सिचुएशन टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है पार्थिवन। हाइना सोशल एनिमल्स होते हैं जोशी, वो झुंड में ही रहते हैं। अगर एक हाइना यहाँ अकेला आया है या तो वो खो गया है या उसका झुंड मारा जा चुका है। लोग उसे डर कर उसे मारने की कोशिश करेंगे लेकिन हमें उसे जिंदा पकड़ना है। अगर तुम्हारा तरीका अपनाया ना तो वो हमारा ही शिकार कर डालेगा। तो कैसे पकड़ना है उसे? वॉकी टॉकी। चैनल 3, हम चैनल 3 पर ही गए। पापा मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आई विल बी हेल्पफुल। तो गाड़ी छोड़ के नीचे मत उतरना, वही मेरे लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी। और मैं जानवरों से नहीं तेरी माँ से डरता हूँ। ओके? लगाओ लगाओ, इसको खींचो, जल्दी जल्दी करो, कम ऑन, जल्दी करो। बैरिकेड से क्यों लगा रहे हो? ये फोरे लगवाए सर। अरे मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी लगाओ। सर ये बैरिकेड आपने यहाँ क्यों लगवाए? वो जानवर स्कूल में भी घुस सकता है सर, ये बहुत रिस्की हो सकता है सर, प्लीज। रेंजर साहब एक काम कीजिए, मैं आपको है ना मेरा ड्रेस देता हूँ, मेरा काम भी आप ही कर लीजिए। कमिंग पार्थिवन। या जोशी, ये इन लोगों के बस की बात नहीं है, सिचुएशन हमें ही संभालनी होगी। तुम सेंचुरी जाके ट्रैंक्विलाइजर तैयार करो, कहाँ से कब शूट करना है मैं बताऊंगा। हाँ ठीक है। जगह ढूंढ रहा है, ये बात समझे बिना सब उसे मारने में लगे हुए हैं। यही चलता रहा तो हाइना स्कूल में पहुंच जाएगा। जोशी तुम ट्रैंक्विलाइजर लेकर स्कूल के वेस्ट की तरफ पहुंचो। सब बच्चे अंदर जाओ, कोई बाहर नहीं रुकेगा, सब लोग अंदर जाओ, मैंने कहा ना सब अंदर जाओ। सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम के अंदर जाओ, एक इमरजेंसी है। टीचर्स अंदर जाओ, आप लोग बच्चों को संभाल के अंदर ले जाइए, टाइम नहीं है, जल्दी करिए। ट्रैंक्विलाइजर गन के लिए मुझे परमिशन मिल गई है, मैं गन लेकर जा रहा हूँ। Thank you.
जोशी रुको, हर जानवर की तरह उसके गर्दन पे निशाना मत लगाना। उसकी हंसी की आवाज जितनी तेज होगी उसका हमला भी उतना ही खतरनाक होगा। उसके लंग्स पे निशाना लगाओ। शूट। हैंग ऑन, यही सही मौका है, शूट करो जोशी। मेरी गन जैम हो गई है पास पर। मौका आने पर हर वक्त तैयार रहने वाला वो कोई सोल्जर नहीं है, मशीन है। सर्विस करनी पड़ती है। ऐसे तू हाँ पापा, अपना जैवलिन उठा और शूलेस जोशी अंकल को दे। ठीक है पापा। अंकल जैवलिन मुझे दे दीजिए। इसका नाम पार्थिवन है सर, चेन्नई से आया है, एनिमल रेस्क्यू। इसकी यहाँ पे एक कॉफी शॉप भी है। ए, अंदर जा, अंदर जा। एक एक करके सवाल पूछिए, सर आपको जवाब देंगे। देखिए, ये जो घटना हुई है ना, ये इतनी महत्वपूर्ण घटना नहीं है, ये हमारे लिए रोज का काम है। उनको उधर खाने पीने को कुछ नहीं मिलता। ये DFO पक्का कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, चल कवर करते हैं। अरे इन्हें क्या कवर करना, असल में इन फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने कुछ नहीं किया। व्हाइट शर्ट, टक्ड इन, मिडिल एज मैन। अगर हमें जानना है असल में क्या हुआ था तो हमें उसे ढूंढना होगा, तब बनेगी असली न्यूज़। व्हाइट शर्ट, मिडिल एज मैन, इतनी भीड़ में उसे कहाँ ढूंढेंगे।